नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम अपूर्व अनुभव जो पाठ है उसके बाकी रहते पाठ पठन की चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले में पढ़ा था कि कहाँ पर, कि जहाँ पर जो तोतो चांद थी उसने स्वयं कुर्सी के सहारे द्विशाखा के ऊपर चढ़कर सीढ़ी पकड़ ली। ठीक, अब उसके आगे ये देख सकते हैं दृश्य में, और यासुकी चांद को ऊपर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। ठीक है, ये तो जिसको दर्द होता है बच्चों वही जानता है। तो तोतो चांद नीचे उतर आए और उसे पीछे से धकी आने लगी। ठीक है, मतलब अब आप समझ सकते हैं बच्चों की दोस्ती है ना, उसे पूरा धक्का देने लगी कि वो ऊपर चढ़ पाए, लेकिन वह स्वयं इतनी छोटी थी कि क्या करती, दोनों निराश हो गए। अचानक तोतो चांद को एक बात सूझी, वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और वहाँ से तिपाही सीढ़ी घसीट लाई। तिपाही मतलब तीन, ठीक है, पाए वाली। तो उसने तिपाही सीढ़ी को द्विशाखा से लगा दिया। ये बच्चों दिख रही है ना तिपाही सीढ़ी, तो मतलब द्विशाखा, जहाँ पर ब्रांच दो हो जाती है। ठीक है, वहाँ तिपाही सीढ़ी को द्विशाखा से लगा दिया और यासुकी चांद को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ाया। यासुकी चांद सीढ़ी के ऊपर पहुंच गए तो तोतो चांद सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ पर पहुंच गए, लेकिन यासुकी चांद को वहां से पेड़ पर लाना बहुत मुश्किल हो गया। दोनों को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। ठीक है बच्चों, तोतो चांद का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोई नहीं। उसने यासुकी चांद को लेट जाने को कहा और उसका पोलियो वाला हाथ पकड़कर उसे द्विशाखा पर खींचने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो बैठना चाहती थी वहां पर। अब ये जो चित्र है सब कुछ दर्शा रहा है। ठीक है, उस समय अगर कोई बड़ा उन दोनों को देखता तो ज़रूर चीख पड़ता। दोनों बहुत खतरा उठा रहे थे, बच्चे हैं ना, बचपन में हम बहुत खतरे वाली चीज़ें कर लेते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने द्विशाखा पर थे। पसीने से लथपथ तोतो चांद ने सम्मान से, इज्जत से यासुकी चांद का अपने पेड़ पर स्वागत किया। यासुकी चांद ने झिझकते हेजिटेशन में मुस्कुरा कर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जो परंपरा थी। ठीक है बच्चों, उस दिन यासुकी चांद को एक नई दुनिया की झलक दिखाई दी। वहाँ बैठे बैठे दोनों देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चांद ने तोतो चांद को टेलीविज़न के बारे में बताया, जिसके बारे में उन दिनों कोई नहीं जानता था। यासुकी चांद को उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन ने उसके बारे में बताया था। उसने आगे बताया, बच्चे बताते हैं ना, मेरे पास ये, मेरे पास वो। तो यासुकी चांद और तोतो चांद पेड़ पर बैठे बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी अवसर था। आप समझ सकते हैं, पोलियो था उसे, ये वो उसका ख्वाब पूरा हुआ जो जीवन में कभी ना पूरा होता। ये उसे ही पता है जिसकी टांग नहीं चलती, हाथ नहीं चलता। तो ये पाठ हमें संदेश देता है बच्चों, सम्मान करो जो मिला है। धन्यवाद।